सो गाइज़, अभी मैंने कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लिया है। अप्रोक्स 30 डेज़ के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया था और मैक्स साकेत में मैं आया हूँ और मैंने यहाँ पे सेकेंड वैक्सीनेशन का डोज़ ले लिया है। और डॉक्टर ने बताया है कि एक हफ्ते तक आपको स्मोक अल्कोहल नहीं करना है कंज्यूम, जो कि मैं नहीं करता, बट ये आप लोगों के लिए है जो करते हैं। और गाइज़, जिम में हैवी वर्कआउट नहीं करना है हफ्ते 10 दिन तक, ये प्रिकॉशन लेने हैं जो डॉक्टर ने मुझे बताया है। और इसकी एंटीबॉडीज़ बनने में भी एक हफ़्ता लगेगा, एक हफ्ते तक एंटीबॉडीज़ बनेंगी इसकी, और एक हफ्ते तक आपको बहुत ध्यान रखना है इसका। एंड गाइस, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हैवी वर्कआउट नहीं करना है आपको, हल्का फुल्का वर्कआउट कर सकते हो आप। और मेरे को लग गई है, अब नहीं मरूँगा, अब नहीं मरूँगा भाई, अब अमर रहूँगा, मैं ज़िंदा रहूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपडेट है। और जो लोग ने कोवैक्सीनेशन का डोज़ लेना है तो उनके लिए भी वीडियो है, वो ध्यान रखें इन चीज़ों का। और सबको मिल जाएगी वैक्सीन, बहुत कोवैक्सीन आ गई है, मैंने पूछा यहाँ पर स्टॉक काफ़ी आ रखा है, तो कोवैक्सीन मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोविड शील्ड भी लग रही है यहाँ पर, तो 1250 रुपये लगे मुझे कोवैक्सीन के लिए, सेकेंड डोज के लिए मैक्स हॉस्पिटल में। एंड आई थिंक 2021 से फ्री हो रहा है ये, 2021 जून से फ्री हो रहा है। और कोविड शील्ड का आई थिंक 800 to 900 रुपीज़ है सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के लिए। तो भाई लोगों, अब काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन लग जाएगा तो ट्रैवल भी होगा और व्लॉग्स भी आएंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब खुल के व्लॉगिंग होगी, दिल्ली में भी अब माहौल थोड़ा ठीक हो रहा है, 500-600 केस हैं। तो गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड मेक इट बेटर बाय योरसेल्फ। आई एम साइनिंग ऑफ.